हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सौदागर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सौदागर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और वो काम करवाना चाहते हैं कोई सा भी, तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के कारण उनकी कई बहुत सारी काम नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, वो चाहते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक मैं अपने से घर बैठे ही कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूं कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर मेरे इंस्टाग्राम का आईडी को फॉलो नहीं किए हैं और फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहां से आप वहां से फॉलो कर लें ताकि मैं वहां से कुछ जानकारी आप लोगों को दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी का आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप देख पाएं। तो दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए आपको चलना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूं, क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देते होंगे, उस पर 3 डॉट पर क्लिक करना। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेंजर पर नजर आएगा, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर टिक लगा देना है। अगर आपने टिक नहीं लगाया तो मैंने टिक लगा रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको सर्च बार पे टाइप करना है UIDAI। जैसे मैं UIDAI टाइप कर लेता हूँ, UIDAI। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में खुल करके ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है। जूम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर आधार रिप्रिंट लिखा हुआ है। आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं ऑर्डर आधार रिप्रिंट पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में फिर से ऐसा ओपन नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं, वर्चुअल आईडी नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर नो पे क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद दोस्तों, आपके सामने में यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। जैसे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने में फिर से ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे बता रहा है कि आपका मोबाइल जो मोबाइल नंबर अभी डाले हैं उसमें OTP चला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस OTP को मैं यहाँ पर डालूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों, जैसे मैं उस OTP को यहाँ पर डाल देता हूँ। OTP डाल देने के बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, यानी कि ये आपका आधार डिटेल को वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैक पेमेंट पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 50 रुपये कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर वीडियो भरी हुई है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, यहाँ से इस तरीके से आपको बताते हैं कि यहाँ से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ से आप 50 रुपये कटवा करके मोबाइल नंबर सोचते हैं कि रजिस्टर हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता है। यहाँ से आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको 50 रुपये जो काटेगा तो आधार कार्ड जो है आपके घर पर पहुँचा देगा। इस तरीके से आधार कार्ड को अपने घर पर मंगवाने का ये ऑप्शन है। आपका जो आधार कार्ड खो जाता है तो वहाँ से यहाँ से इस ऑप्शन से 50 रुपये कटवा करके आपके आधार कार्ड में न्यू आधार कार्ड जो है आपके घर पर पहुँच जाता है। यहाँ से मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं होता है। सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से इसी तरह से अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।